हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना मेकअप कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा सेटिंग वगैरह कर रही थी मेकअप की। एंड मैं आप लोगों के साथ मेकअप शेयर करूंगी कैटेगरी वाइज, ठीक है? हर एक कैटेगरी में क्या अच्छा लगा मुझे, क्या नहीं अच्छा लगा, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। एंड सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है स्वाति भामरा मेकअप कलेक्शन। कोई भी अगर आपकी वीडियो छूट जाते ये वाली सीरीज में से, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे मेकअप कलेक्शन की थर्ड वीडियो है कॉम्पैक्स के ऊपर, बाकी के अगर आपने दो नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेकअप कलेक्शन का। तो गाइस, कॉम्पैक्ट हम क्यों लगाते हैं? अपने मेकअप को सेट करने के लिए। जो भी आप फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाते हो ना, उसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज करते हो। कॉम्पैक्ट जरूर लगाया करो, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है या फिर अगर आपकी ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन है तो हल्का सा लगाओ, ठीक है? ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा ज्यादा लगाओ। ऑयली स्किन वाले तो भैया ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, लूज पाउडर भी आप लगा सकते हो। एंड कॉम्पैक्ट हम इसलिए लगाते हैं, एक तो मेकअप हमारा एकदम सेट हो जाए। जो भी लाइंस में जाके आप देखते हो ना, मेकअप फंस जाता है, लाइंस में जाके सेटल डाउन हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, फिर तो मेकअप गंदा लगेगा ना आपका दिखने में। हाँ, ये अपने मैं आपको कलेक्शन दिखाऊं, उससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल नहीं स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक कॉम्पैक्ट था, मेबेलिन का व्हाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, याद है आलिया भट्ट की एड वाला जो था कॉम्पैक्ट, उसमें एसपीएफ भी था समथिंग। तो वो मेरा सबसे पहला कॉम्पैक्ट था, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट है। राइट नाउ आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि बाद में पीआरस वगैरह इतने सारे आ गए ना, तो फिर इन्हीं को मैं यूज करती रही और उसको मैंने बार बार नहीं खरीदा। नहीं तो उसको मैंने बहुत बार खरीदा था, अपनी मम्मा को भी खरीद के दिया। अफोर्डेबल वाला, बिगनर वाला अगर लेना चाहते हो कॉम्पैक्ट अच्छा वाला, तो मेबेलिन का व्हाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट जरूर ट्राई करना। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये वाले कॉम्पैक्ट से, बारी बारी से। ये है कलर बार का कॉम्पैक्ट और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरे हर एक मेकअप वीडियो में आप लोग देखते होंगे। लिंक और ये वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। कॉम्पैक्ट अच्छा होता है या कैसा होता है उसका इस हिसाब से पता लगता है ना, बटर की तरह उसका ये निकल जानी चाहिए, मतलब पिगमेंटेशन आनी चाहिए। ये नहीं कि हम इसको रगड़ते रहे, इसमें है अभी एक दो कॉम्पैक्ट जिसको रगड़ते रहो भैया तो भी नहीं उसकी पिगमेंटेशन आती। ये देखो, ठीक है, एंड बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी सेकंड परचेज है बाय द वे। फिर मेरे पास है लैक्मे का भी ये बहुत अच्छा वाला है, इसकी भी पिगमेंटेशन अच्छी है, ये भी मुझे काफी पसंद है। लगाओ तो मतलब देखो, फिंगर्स के साथ तो आप दबा लोगे, जब हम कॉम्पैक्ट्स यूज ब्रश यूज करते हैं उसके साथ यार लगते ही नहीं होते कुछ कॉम्पैक्ट्स। अभी दिखाती हूं मैं आपको, ये तो मुझे बहुत पसंद है। फिर है गाइस कलर बार का भी मुझे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट पसंद है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला है। ये तीनों आप मेरी मेकअप वीडियोस में बारी बारी से देखते ही हो, कुछ नया। एंड गाइज, ये स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट है, ये भी बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है। मेरा शेड आप देख सकते हो, आइवरी व्हेन यू वरी वन, और इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, रिसेंटली पता नहीं क्यों बंद कर दिया यूज करना, बस नए नए प्रोडक्ट यूज करती रही। देख लो, इसकी भी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, ब्रश के साथ भी इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है, एकदम आपका स्किन मैटिफाई हो जाती है। तो आप इसको भी जरूर ट्राई करो, ये भी अफोर्डेबल कैटेगरी में ही है, 249 है, बाकी आपको पता ही है purple.com पे सेल चलती रहती है। फिर मेरे पास है पैक के दो कॉम्पैक्ट्स हैं, देख सकते हो आप, एंड ये मेरा शेड है शेड नंबर 2 एंड शेड नंबर भाई कहाँ है, आई गेस ये 5 था, 5। तो आई गेस मेरी स्किन टोन पे थोड़ा सा डार्क होगा शेड नंबर 2, पिगमेंटेशन वगैरह काफी अच्छी है, लेकिन मेरी बेवकूफी है कि मैंने इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया। अब माय गॉड, लुक एट द पिगमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, थोड़ा प्राइसी होगा आपको ये, आई गेस 700 समथिंग लिखा था, 775 रुपीज। इतना खर्च करना चाहते हो तो आप ये वाला ले सकते हो, अदरवाइज आप ये ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं यार। ये थोड़ा सा प्राइसी होगा, ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग परचेज लिंक्स, ठीक है। ये है मोडा का कॉम्पैक्ट, ये ना वेट एंड ड्राई वाला कॉम्पैक्ट है, समथिंग वेट एंड ड्राई वाला, ये मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने देखो इसको यूज नहीं किया, मतलब बेवकूफी मेरी, देखो कितनी चीजें मेरे पास होती है मैं यूज ही नहीं करती, इस साल से सब कुछ यूज करने वाली हूँ। इसके पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, ड्राई तो समझ में आता है लेकिन वेट कभी भी मैंने कॉम्पैक्ट को यूज नहीं किया, तो इस बार इसको वेट भी यूज करके देखेंगे। पीछे इन्होंने देखो होल्स बनाए हैं ताकि अगर आप अपना स्पॉन्ज को गीला करके इसके अंदर डालते हो तो ये सूख जाएगा इस वजह से। तो चलो यूज करूंगी तो आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। ये आई एम्स्टरडेम का कॉम्पैक्ट, ये मुझे पसंद नहीं आया, देखो आपको दिखाती हूँ थोड़ा समय, एक सेकेंड, ये देखो फिंगर साफ है ना भैया, पिगमेंटेशन ही नहीं करता, मतलब ठीक है रगड़ते रहो ठीक है ना, बट हम अपने फिंगर्स के साथ कभी भी मेकअप नहीं वो करते। हम कैसे करते हैं? हम करते हैं इनके साथ, ठीक है। तो इनके साथ तो ये आता ही नहीं है बाहर,
तो मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आया। मे भी पता नहीं ठंड का दिन है इसलिए जम गया, बाकी गर्मियों में भी पता नहीं अरे काम नहीं कर रहा था, मुझे इतना कोई खास नहीं लगा ये। ठीक है, तो इसको तो आप अगर आपको में से, मैं बुरा नहीं बोल रही इसको, बट मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे ज्यादा बेटर लगे। ठीक है, एक मुझे ये नहीं इतना कुछ खास लगा आई एम्स्टरडैम का कॉम्पैक्ट, एक मुझे बेला वास्टा, हाँ ये बेला वास्टा का है ये, इसमें भी यार वही चक्कर है, ये इतना ज्यादा मतलब करता ही नहीं है। देखो ना मतलब इसके साथ तो वैसे ही नहीं आएगा बाहर, इसके साथ तो आते ही नहीं है बाहर। एक मुझे बेला वास्टा का इतना कोई खास नहीं लगा, एक मुझे आई एम्स्टरडैम का इतना कोई मजेदार नहीं लगा। फिर मेरे पास है फेसेस का, फेसेस का भी अच्छा है, हाँ फेसेस का भी अच्छा, देखा आपने कैसे पिगमेंटेशन की इसने, तो फेसेस का भी अच्छा है कॉम्पैक्ट। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स को देख के कंफ्यूज मत हो जाया करो, अपना बजट देखा करो जो आपका बजट है। ये तो हो गए गाइस कॉम्पैक्ट हो गए, हर एक स्किन टाइप लगा सकता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा गंदी है, ऑयली स्किन है, ठीक है, तो आप लूज पाउडर्स यूज कर सकते हो। लैक्मे का रोज वाला लूज पाउडर हर एक को पता है, हर एक के पास होता है। लूज पाउडर हम क्यों यूज करते हैं, एक तो हम बेकिंग करने के लिए यूज करते हैं, बेकिंग आपको पता है आईज के नीचे ये वो हम बेकिंग करते हैं। दूसरा अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है आप इसके साथ भी लगा सकते हो, अपने पूरे फेस को सेटिंग सेट कर सकते हो। बेकिंग हम इसलिए करते हैं जब हमारी आई मेकअप थोड़े से जब हम हैवी करते हैं, हम चाहते हैं हमारे फेस के दूसरे फीचर्स थोड़े से हमारे हाईलाइट हो, तो हम बेकिंग करते हैं। ये भी स्टेक वोकी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर बहुत अच्छा वाला है, बहुत अच्छा एकदम फाइन है इसके ना ये पार्टिकल्स बिल्कुल सही वाला है, ये ले लो, बेशक ये सस्ता आएगा। ये और ये बिल्कुल सेम है शुगर का, बट शुगर का फिर प्राइस ही हो जाएगा ना 500 से ऊपर चला जाएगा, ये आई गेस थोड़ा सा आपको सही उसमें मिल जाएगा। फिर मेरे पास है ये फॉकलर का है ये सेटिंग स्प्रे, ये मुझे ब्रांड ने खुद सेंड किया था, एक बार वीडियो बनाई थी ना, इनके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते फॉकलर के मेकअप प्रोडक्ट्स, बट जो आपका बजट जैसे लगे। ठीक है डियर, ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी, एंड वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी और बारी बारी जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं कैटेगरी वाइज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। टिल देन बाय।